हेलो बेबीज, माय लिटिल लर्नर्स, वेलकम टू द सोशल साइंस वीडियो क्लासेस। सो यस्टरडे वी डिड न्यू वर्ड्स एंड अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। आई हैड शेयर्ड अ वीडियो आल्सो शोइंग द डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस, राइट? So the main directions are known as cardinal directions and the sub directions are known as intermediate directions. You remember in the video what was the apple doing? The apple was going in the directions and the sub directions, right? So what we are going to do today is we are going to read this story, okay, and learn about directions and subdirections. Page number 62. Here, see, Amisha and Alisha are best friends. So, who are best friends? Amisha and Alisha. Alisha is going to the market. Where is Alisha going? Alisha going to the market, but she does not know the way. She meets Amisha and asks for help. What happens? Alisha is going to the market. बट अलीशा को मार्केट का रास्ता नहीं पता, तो वो क्या होता है, वो अमीशा से मिलती है एंड शी आस्क फॉर हेल्प। हेलो अमीशा, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट? किसने पूछा? अलीशा ने अमीशा को पूछा, राइट? देन यस अलीशा, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, राइट? सो अलीशा ने, अमीशा ने क्या बताया अलीशा को? गो straight from here. When you reach the end of the road, turn left. Then you will find a park. Once you cross the park, turn right. This is the park. You cross the park, you turn right. You will reach the market. Right? So what did Amisha do? Amisha explained Alisha how to go to the market, right? Now here, what directions do? Directions help us find our way. What do the directions do? Directions help us find our way, right? They also tell us about the position of an object or a place. Also directions क्या बोलते हैं हमें? डायरेक्शंस हमें बताते हैं किसी भी चीज का या किसी भी जगह का पोजीशन कहाँ पर मिलेगा वो, राइट? सो वी कैन आल्सो यूज आवर हैंड्स, सी वी कैन आल्सो यूज आवर हैंड्स टू शो डायरेक्शंस। आवर लेफ्ट हैंड शोज लेफ्ट एंड द राइट हैंड शोज द राइट डायरेक्शन, राइट? सो अगर हम रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं, सपोज योर फादर इज ड्राइविंग, आपके पापा अगर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मार्केट जाना है और आपके पापा ने आपसे पूछा कि मार्केट किस तरफ है और मार्केट जो है वो लेफ्ट के बाद राइट में आता है, सो व्हाट डू यू से? आप क्या बोलोगे? गो स्ट्रेट 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 देन टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट के बाद स्ट्रेट 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 देन टेक अ राइट एंड यू विल रीच द मार्केट, राइट? तो अगर आपको पापा डायरेक्शंस पूछते हैं और आपको पता है कि मार्केट किधर है, तो आप कैसे बताओगे? टेक अ लेफ्ट टर्न देन टेक अ राइट टर्न देन टेक अ लेफ्ट टर्न, ऐसे करके बताते हैं ना हम, लेफ्ट राइट। गाड़ी में भी अगर कभी कोई ड्राइव कर रहा है और आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो और उसको अगर रास्ता नहीं पता है तो और आप लोग सब साथ में जा रहे हो, तो अगर आपके फादर को रास्ता पता है तो ड्राइवर को कैसे बताते हैं? यहाँ से लेफ्ट ले लो, फिर यहाँ से राइट ले लो, अभी स्ट्रेट स्ट्रेट जाने का, फिर वो चौकड़ी आएगी ना, चौकड़ी को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ राउंड अबाउट, राइट? सो वो राउंड अबाउट से यू हैव टू टेक अ राइट, वहां से राइट ले लो, फिर सीधे 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 जाने का, फिर लेफ्ट जाने का, ऐसे बताते हैं ना पापा डायरेक्शंस। सो उसको क्या कहते हैं हम? रास्ता बताना, डायरेक्शंस, दिशा बताना, राइट?
Okay, now next read. We can also indicate directions using words like down, front and back. हम और क्या क्या यूज करते हैं directions बताने के लिए? Down, front, back. Down मतलब नीचे, up मतलब ऊपर, front मतलब सामने, back मतलब पीछे. Right? Come, Alisha, let us learn about the direction. अमीशा ने क्या बोला? चलो अलीशा, let's learn about the directions. And now how they are learning? I am facing the rising sun. Which direction am I facing? अमीशा ने क्या पूछा अलीशा को? See, मैं सूरज की तरफ खड़ी हूँ. Rising sun, right? So, ये कौन सा direction है? So, what Amisha says? You are facing east as the sun rises in the east. So, अमीशा ने अलीशा को बताया, जिस तरफ सूरज उगता है वो दैट इज ईस्ट डिरेक्शन. तो तुम ईस्ट के साइड फेस करके खड़ी हो. एंड बिहाइंड बैक साइड विल बी योर वेस्ट, राइट? देन नेक्स्ट, अमीशा कैन यू टेल मी विच डिरेक्शन इज टू माई लेफ्ट एंड विच इज टू माई राइट. सो अमीशा को अलीशा ने क्या पूछा? चलो अगर मैं फेस सन के तरफ मेरा फेस है तो सन जो है वो ईस्ट में है, राइट? एंड पीछे जो है वो वेस्ट है. तो मेरे लेफ्ट में कौन सा डिरेक्शन आएगा एंड मेरे राइट में कौन सा डिरेक्शन आएगा? अलीशा ने अमीशा को पूछा, राइट? सो व्हाट डज अमीशा रिप्लाइज? अमीशा सेज, व्हेन यू आर फेसिंग द ईस्ट डिरेक्शन, टू योर लेफ्ट इज नॉर्थ एंड टू द राइट इज द साउथ. जब आप ईस्ट के तरफ फेस करके खड़े होते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन आता है दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, एंड आपके राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन आता है दैट इज योर साउथ डायरेक्शन. याद है ना द वीडियो आई शेयर्ड टू यू ऑन द फर्स्ट डे? फर्स्ट डे जो वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें भी द बॉय वॉज स्टैंडिंग फेसिंग द सन, राइट? फेस उसका सन के तरफ था एंड वो डायरेक्शन बता रहा था. तो पीछे के साइड वेस्ट, राइट में साउथ एंड लेफ्ट में नॉर्थ, इजंट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डू सब डायरेक्शंस. तो हमारे मेन डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, लुक इट्स रिटन ओवर हियर. मेन डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द फोर मेन डायरेक्शंस. In addition to this, we have four sub-directions. Sub-directions में कौन कौन से आते हैं? Northeast. Northeast कौन सा होता है? North और East के बीच का जो direction है, that is Northeast. Then we have Northwest. Northwest कौन सा direction है? North and West के बीच का जो direction है, that is Northwest. Then we have Southeast. अभी Southeast कौन सा होता है? साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट. एंड वी हैव साउथ वेस्ट. सो साउथ वेस्ट कौन सा होता है? साउथ एंड वेस्ट के डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन आता है दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, राइट? ओके, नाउ सी अगेन व्हाट दे आर डूइंग. अमीशा, व्हाट इज इट दैट यू हैव इन योर हैंड? टेल मी अबाउट इट. अलीशा ने अमीशा को पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे भी इसके बारे में बताओ. सो व्हाट डज अलीशा सेज, दिस इज माय कॉम्पास. व्हाट इज कॉम्पास? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. इट्स निडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ. सी ऐसा होता है कॉम्पास, एंड जो कॉम्पास का सुई होता है ना निडल, वो क्या करता है? इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ. वो हमेशा नॉर्थ को ही बताएगा, राइट? So what is a compass? A compass is an instrument to find directions. Okay? Now let's do the exercise over here. Name the four main directions. So what are the four main directions? See, the answer is over here. Answer number one. East, west, north and south are the four main directions. This is your answer number one. Number two, what is a compass? Compass क्या है?
Answer number 2 is over here. Compass is an instrument for finding direction. Its needle always points to the north. This is your answer number 2. Right? Now number 3. This we will do it together. How? See, if this is north, this is east, right? North ke opposite mein kaun sa direction aayega? This will be south. And east ke opposite mein kaun sa direction aayega? This will be west, right? So west and north ke beech mein kaun sa direction aayega? It will be northwest, isn't it? And north or east ke beech mein kaun sa direction aata hai? It is northeast, right? And this south and west ke beech mein southwest, south and east ke beech mein southeast. So this is all for today. We are going to learn about time tomorrow. Till then, take care.